हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डू सेकंड पार्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12 चैप्टर 7। इस वीडियो में ज़्यादातर हम नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे। सो जो नाइट्रोजन है इसकी एनमलस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एनमलस का मतलब होता है असामान्य, कुछ अनकॉमन सी इसकी क्वालिटीज़ हैं। जानते हैं उसका रीज़न क्या है। सबसे पहली बात, जो नाइट्रोजन है वो अपने ग्रुप मेंबर्स में से सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज़ है। नाइट्रोजन हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज अमंग इट्स ग्रुप मेंबर्स। सेकेंडली, इट हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। हाई आयनाइजेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा होगा, एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो मैंने आपको बताया था H इज इक्वल टू E प्लस PV, जिसमें कि एंथैल्पी जो होता है वो हमारा इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर प्लस वॉल्यूम। तो ये एनर्जी किसी भी एलिमेंट को उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए चाहिए होती है। तो ये भी जो है ये हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसके अंदर। सेकेंडली, थर्ड पॉइंट, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिट नहीं होता। इट हैज़ नो डी ऑर्बिट। इट फॉर्म पाई पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर स्मॉल एलिमेंट्स, एग्जाम्पल कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये भी इसकी क्वालिटी है कि अपने ही एटम्स के साथ और छोटे छोटे एटम्स के साथ पाई पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई नाइट्रोजन, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में डाई नाइट्रोजन की फॉर्म में। और डाई नाइट्रोजन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक एस बॉन्ड होते हैं और दो पी बॉन्ड होते हैं। सिंगल NN बॉन्ड इज़ वीकर देन सिंगल PP बॉन्ड। सो जो नाइट्रोजन बॉन्ड है दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में, वो ज़्यादा कमज़ोर होंगे बजाय किसके, PP बॉन्ड के बीच में। मान लीजिए फॉस्फोरस के आपस में बॉन्ड हैं, दो फॉस्फोरस एटम्स के आपस में बॉन्ड होंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे बजाय किसके, नाइट्रोजन के। और इसका रीज़न है हाई इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, कि नाइट्रोजन के अंदर जो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसी वजह से NN का जो बॉन्ड है वो वीक होगा PP के बॉन्ड से, फॉस्फोरस के जो एटॉमिक बॉन्ड है उनसे। नाउ कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन टेंडेंसी का मतलब जिसमें एटम्स अपने आप, मतलब एटम्स आपस में ही एक चेन बनाते हैं, बॉन्ड बना के वो आपस में ही एक चेन बनाते हैं, उसको हम कैटिनेशन टेंडेंसी कहते हैं। और इट इज़ वीकर इन नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन में बहुत वीक है। और इसका रीज़न जैसे मैंने आपको बताया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है बॉन्ड के बीच में, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो इसके अंदर पाया जाता है वही इसका कारण है कि जो कैटिनेशन टेंडेंसी है नाइट्रोजन की, जो नाइट्रोजन एटम्स आपस में मिलके जो चेन बनाते हैं, जो इनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इसीलिए इनकी कैटिनेशन टेंडेंसी भी वीक है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म DN PN बॉन्ड। ये एक्चुअली जो DN या PN मतलब बॉन्ड हैं, ये एक्चुअली उनमें हैवियर एलिमेंट्स में ये बॉन्ड पाए जाते हैं। और इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा नाइट्रोजन है इसकी जो कोवेलेंसी है वो है 4। इसी वजह से ये हैवियर एलिमेंट में जो ये बॉन्ड पाए जाते हैं DN PN, वो नाइट्रोजन फॉर्म नहीं कर सकता। अमोनिया, जिसको कि साइंटिफिकली आप NH3 कहते हैं, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं ये हाइड्राइड्स बनाते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन। सो यहाँ पर मान लीजिए ई का मतलब ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आपका नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, आपका एंटीमिनी हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, बिस्मिथ हो सकता है। सो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड्स बनाएंगे EH3, और इसमें ई रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट। नाउ अगर हम बात करें तो BiH3, जिसमें कि हम बिस्मथ हाइड्राइड कहेंगे, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी होती हैं, ये जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड्स आते हैं तो ये डिक्रीज होता है। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। और रीज़न मैंने आपको इसका बताया था, एंथैल्पी डिसोसिएशन।
एंथैल्पी डिसोसिएशन की वजह से ही हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और इसके कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर इनका इंक्रीज होगा, मतलब जो इनकी रिडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंक्रीज होगी। सो स्टूडेंट्स, यही पॉइंट्स होंगे जो आपको एमसीक्यू में आएंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को लर्न कर लेते हैं तो यू विल वेरी इजीली डू एमसीक्यू पार्ट। नाउ ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं जब वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो दो प्रकार के ऑक्साइड्स बनाते हैं, E2O3 एंड E2O5। इसमें E का मतलब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। नाउ अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्साइड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर एसिडिक। सो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल E2O5 का, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा नेचर में। एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो ग्रुप में अगर हम डाउनवर्ड्स चलते हैं तो वो डिक्रीज होता है। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हैल्डिहाइड्स बनाते हैं, और EX3, EX5 दो प्रकार से वो एल्डिहाइड बनाएंगे, EX3 एंड EX5, जिसमें E कौन है, E है आपका ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट। 18 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइट ड्यू टू नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू में किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन है ये पेंटा हैलाइट नहीं बनाता है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिट नहीं है। ओनली NF3 इज स्टेबल, और ये जो NF3 है ये स्टेबल है। ग्रुप 15 रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो बाइनरी कंपाउंड्स बनेंगे, और उनका ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगा वो होगा -3। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जांपल Ca3N2, Ca3P2। नाउ PS3 हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट देन NS3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, PS3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो NS3 से कम है, क्योंकि जब PS3 लिक्विड स्टेट में होता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती। इट हैज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन PS3 इज इन लिक्विड स्टेट, इसीलिए PS3 का बॉइलिंग पॉइंट NS3 से कमज़ोर है। नाउ पेंटा हैलाइट आर मेड कोवेलेंट देन आर मोर कोवेलेंट देन ट्राई हैलाइट बिकॉज, लास्ट पॉइंट है आपके लिए BIS3, जिसको कि हम बिस्मथ हाइड्राइड कहते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये किसी भी तरीके से आपके MCQ में पूछ सकते हैं, इसका रीज़न भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी है धीरे धीरे जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड्स आते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, और कॉन्ट्ररी इनकी जो रिड्यूसिंग क्वालिटी होता है ये इंक्रीज होता है इसीलिए। और क्योंकि ये एलिमेंट हमारा ग्रुप में सबसे नीचे है तो ही हमारा बिस्मथ हाइड्राइड का जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है।